साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार लाल किले से मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी। जो जितना प्राचीन होता है वो उतना ही टाइम टेस्टेड भी होता है, इसलिए तमिल कल्चर और तमिल पीपल ये दोनों स्वभाव से ही इटर्नल भी है, ग्लोबल भी है। फ्रॉम चेन्नई टू कैलिफोर्निया, फ्रॉम मदुराई टू मेलबोर्न, फ्रॉम कोयम्बटूर टू केप टाउन, फ्रॉम सेलम टू सिंगापुर, यू विल फाइंड तमिल पीपल हु हैव कैरिड विद देम देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। बीट पोंगल और पुतांडू, दे आर मार्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमिल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ दिस। तमिल लिटरेचर इज ऑल्सो वाइडली रिस्पेक्टेड। द तमिल फिल्म इंडस्ट्री हैज गिवन सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्क्स टू अस। साथियों, फ्रीडम स्ट्रगल में भी तमिल लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी है। सी राजगोपालाचारी और उनकी फिलॉसफी के बिना क्या आधुनिक भारत की बात पूरी हो सकती है? के कामराज और सोशल वेलफेयर से जुड़े उनके काम, उसको हम आज भी याद करते हैं। ऐसा कौन सा युवा होगा जो डॉक्टर कलाम से प्रेरित न हुआ हो? मेडिसिन, लॉ और एकेडमिक्स के क्षेत्र में तमिल लोगों का योगदान अतुलनीय है। मैं मन की बात में भी अक्सर तमिलनाडु के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूं।